नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 3 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। अब अधिकारियों को देना होगा हर साल अपने संपत्ति का ब्यौरा। बिहार सरकार ने सभी मुखियाओं से लेकर जिपाध्यक्षों के लिए बड़ा फैसला लिया है। पंचायती राज विभाग ने इस बाबत सभी जिलों को निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सरकार ने अब सभी अधिकारियों को, यानी कि मुखिया, उपमुखिया, प्रखंड प्रमुख, उपप्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को सौंपने का आदेश दिया है, जिसके अनुसार अब सभी अधिकारियों के निर्वाचित पति पत्नी और आश्रितों को चल अचल का सारा ब्यौरा वेबसाइट पर जारी करना होगा। प्याज के बाद अब गैस की बढ़ गई कीमत। अभी प्याज के बढ़ते कीमत ने लोगों के रसोई का बजट बिगाड़ ही रखा था कि अब रसोई गैस भी महिलाओं के रसोई का बजट बिगाड़ने वाला है, क्योंकि अब प्याज के बाद गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया गया है, जिसके तहत घरेलू गैस की कीमतों में अब 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 17.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके पश्चात 774 रुपए में मिलने वाला घरेलू सिलेंडर का दाम अब 793.50 रुपए हो गया है। वहीं 1390 रुपए में मिलने वाला कमर्शियल गैस अब 1407.50 रुपए में मिलेगा। नालंदा की बहू अब बैठेगी जज की कुर्सी पर। नालंदा की गेसू ने अपनी मेहनत से पहली ही बारी में न्यायिक सेवा परीक्षा को पास कर लिया है। ज्ञात हो 30वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में नालंदा की इस बहू को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। रिजल्ट मिलते ही गेसू को बधाई देने के लिए लोगों का मजमा लगना शुरू हो गया। इस मौके पर गेसू ने बताया कि वो बचपन से ही न्यायिक सेवा में जाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इस परीक्षा के लिए खूब मेहनत की और सफल हुई। शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेने खगड़िया आएंगे नीति आयोग की टीम। बिहार के खगड़िया जिले में शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेने नीति आयोग की टीम जल्द पहुंचने वाली है। ज्ञात हो आयोग की टीम 2 दिनों के लिए खगड़िया जिले में दौरे के लिए आ रही है, जहां पर वो विभिन्न स्कूलों में जाकर उनका निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद स्कूलों में चल रही शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए नीति आयोग अपनी एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी। आपको बता दें, नीति विभाग की टीम के आगमन से पहले शिक्षा जिला पदाधिकारी ने प्रखंड के कई स्कूलों का जायजा किया है। अब आइए जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे संजय मिश्रा की। संजय मिश्रा मूल रूप से बिहार के निवासी है। संजय का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में 6 अक्टूबर 1963 में हुआ था, मगर संजय ने अपनी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय BHU से की थी। वहीं संजय ने अपने स्नातक की पढ़ाई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से की थी, जिसके बाद वो फिल्मी जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए मुंबई रवाना हो गए, जहां पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1995 में ओ डार्लिंग ये है इंडिया से की थी, जिसके बाद संजय ने बतौर सपोर्टिंग एक्टर कई फिल्म में काम किया। इसके अलावा संजय मिश्रा कई फिल्मों में कॉमेडी रोल निभाते भी नजर आ चुके हैं। वहीं संजय को फिल्म आंखों देखी के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार शरीफ नालंदा जिले का मुख्यालय है। सूफी संतों की धरती कहे जाने वाला यह शहर अपने आप में एक सांस्कृतिक स्थल है। यहाँ घूमने वाले स्थानों में मुख्य रूप से हिरण्य पर्वत है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पार्क बनाया गया है। पार्क में रॉक गार्डन, वाटर फॉगिंग, गूंजने वाली गुफा भी है। इतना ही नहीं, मकर संक्रांति के दिन लोग यहाँ आकर पतंगबाजी का आनंद भी उठाते हैं। इसके अलावा बिहार शरीफ में मखदूम साहिब के मजार और बाबा मनीराम का अखाड़ा है। दोनों अपने अपने प्रसिद्धियों के लिए याद किए जाते हैं। हेड कांस्टेबल के लिए निकाली गई रिक्तियां। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने हेड कांस्टेबल के 300 पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। इन सभी पदों पर स्पोर्ट्स कोटा से नियुक्ति की जाएगी। खेलों के अनुसार खिलाड़ियों को विभिन्न पदों के लिए चयनित किया जाएगा। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी का 12वीं पास होना और साथ ही साथ संबंधित खेल में राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। वहीं अभ्यर्थी को इन पदों पर आवेदन भरने के लिए 100 रुपए का भुगतान करना अनिवार्य होगा। इच्छुक अभ्यर्थी www.cisfrect.in पर जाकर 17 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए उतरेंगे 12 प्रत्याशी। पटना विश्वविद्यालय ने छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। जारी सूची के अनुसार 116 उम्मीदवार विभिन्न पदों के लिए मैदान में उतरेंगे। वहीं अध्यक्ष पद पर 12 प्रत्याशी मैदान में उतरने वाले हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर कुल मिलाकर 9 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें, यह चुनाव 7 दिसंबर को होने वाले हैं। बाबा नगरी बनेगा जल जीवन हरियाली का मॉडल। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सभा स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जल जीवन हरियाली का आगाज करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी कि 4 दिसंबर को बाबा नगरी अरेराज पधारने जा रहे हैं, जिसकी सारी तैयारियां हो चुकी है। साथ ही साथ इस अरेराज सोमेश्वरनाथ महादेव की नगरी को जल जीवन हरियाली के मॉडल के रूप में जल्द ही विकसित किया जाएगा, जिसकी प्रशंसा समूचे देश में की जाएगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख की हुई घोषणा। BSEB ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। जारी की गई डेटशीट के अनुसार मैट्रिक और इंटर दोनों के प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 से 12 जनवरी और 17 से 24 जनवरी तक ली जाएंगी। वहीं 13 फरवरी से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। वहीं मैट्रिक की परीक्षाएं 17 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित की जाएगी।
पर्यावरण संदेश के साथ साथ जनता का मूड भापने की हो रही है तैयारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जल जीवन हरियाली यात्रा के लिए रवाना होंगे, लेकिन इस यात्रा में नीतीश कुमार बस पर्यावरण का संदेश साझा नहीं करेंगे बल्कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता का मूड भी भापेंगे। इसी बीच विपक्षी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार की यात्रा से पहले ही विपक्ष ने उनकी यात्रा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल त्रिपिटक पूजा का हुआ शुभारंभ। बिहार के बोधगया जिले में त्रिपिटक पूजा का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ किया गया है। ज्ञात हो इस त्रिपिटक पूजा का आयोजन महाबोधि मंदिर में किया गया था। बता दें यह कार्यक्रम अगले 10 दिनों तक किया जाएगा। इन 10 दिनों तक चलने वाला इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग में बुद्ध के उपदेशों को पढ़ा जाएगा। इस कार्यक्रम में विश्व शांति की प्रार्थना की जाएगी। मनोज तिवारी ने केजरीवाल को किया चैलेंज। भोजपुरी इंडस्ट्री के अभिनेता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुला चैलेंज दिया है। एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि दिल्ली की मौजूदा सरकार ने अपना काफी समय केंद्र के साथ तूतू मैमे में गुजार दिया है। अगर हम राज्य की सत्ता में आते हैं तो केजरीवाल से 5 वर्षों की तुलना में 5 गुना ज्यादा काम करेंगे और अगर ना कर पाए तो राजनीति को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। भागलपुर महोत्सव का हुआ समापन। 4 दिवसीय भागलपुर महोत्सव का आयोजन कला केंद्र लाजपत पार्क में किया गया था, जिसका समापन अब हो चुका है। इस 4 दिवसीय महोत्सव में कला साधकों का लघु भारत दिखाई दिया, जहां 14 विभिन्न राज्यों ने अपनी कला और संस्कृति का परिचय दिया। गीत संगीत कला नाट्य से पूरे 4 दिन तक भागलपुर झूम रहा था। वहीं इस महोत्सव के अंतिम दिन कई संस्थानों को पुरस्कृत भी किया गया, जिसमें मणिपुर के दलाई लामा आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी को प्रथम पुरस्कार मिला। वहीं पश्चिम बंगाल के अल्पना दुर्गापुर को दूसरा स्थान मिला। समस्तीपुर के 5 स्टेशन को मिला ISO। समस्तीपुर वासियों के लिए खुशखबरी। समस्तीपुर रेल मंडल के 5 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को अब और ज्यादा सुविधा मिलने जा रही है, क्योंकि अब रेलवे बोर्ड ने समस्तीपुर रेलवे डिवीजन के अलग अलग स्टेशनों यानी कि बापूधाम मोतिहारी, बेतिया, रक्सौल, नरकटियागंज और सगोली स्टेशन को ISO श्रेणी में शामिल कर दिया है। आपको बता दें ISO प्रमाण उस स्टेशन को दिया जाता है जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों का पालन करते हैं और साथ ही साथ यात्रियों को स्वच्छ वातावरण मुहैया करवाते हैं। जदयू युवा सांसदों के कार्यकारिणी का हुआ विस्तार। युवा विंग को मजबूत बनाने के लिए जदयू के युवा विंग के अध्यक्ष संतोष कुशवाहा ने नए राज्य कार्यकारिणी सदस्यों की सूची जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि युवा जदयू के राज्य कार्यकारिणी में विस्तार किया जाएगा। आपको बता दें यह फैसला संतोष कुशवाहा द्वारा आयोजित किए गए सभी प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के बैठक में किया गया था, जहां युवा विंग के सभी अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। मोबाइल पर बात करना और डाटा का इस्तेमाल करना हुआ महंगा। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने अपने नए टैरिफ प्लान्स की घोषणा की है, जिससे कि देश में सस्ती कॉलिंग का सिलसिला अब थम जाएगा। आज से सभी मोबाइल कंपनियों द्वारा जारी किए गए नए टैरिफ प्लान देश भर में लागू कर दिए जाएंगे। जारी किए गए सभी नए प्लान्स माई वोडाफोन ऐप और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। वहीं दोनों कंपनियों द्वारा किए गए इस घोषणा के बाद जियो ने भी अपने सिम में टैरिफ महंगे करने की घोषणा कर दी है, जिसके पश्चात 6 दिसंबर से जियो का टैरिफ 40% तक बढ़ जाएगा। आज से शुरू होगी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया। राजद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए नामांकन आज से शुरू हो जाएगा और आज से ही नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल भी कर दी जाएगी, जिसके बाद 10 दिसंबर को बापू सभागार में नवगठित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राजद अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव करेगा। विराट कोहली को अनुष्का की यह फिल्म है सबसे ज्यादा पसंद। विराट कोहली और अनुष्का आए दिन अपने फैंस को कपल गोल्स देते रहते हैं। हाल ही में विराट कोहली ने एक मीडिया हाउस को दिए अपने एक व्यक्तिगत साक्षात्कार में अनुष्का शर्मा की बेहतरीन फिल्म का जिक्र किया है। दरअसल विराट कोहली से पूछा गया कि अनुष्का शर्मा की अब तक की कौन सी फिल्म उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आई। इसके जवाब में विराट ने कहा, मुझे उनकी ए दिल है मुश्किल फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई है। उस फिल्म में अनुष्का का कैरेक्टर मेरे लिए परफेक्ट है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 2 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,310 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 38,310 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 87,800 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.71 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.11 रुपए प्रति लीटर था। प्याज की कीमत में अभी कोई राहत नहीं। प्याज की बढ़ती कीमत से अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। कई जगहों पर तो प्याज 100 रुपए प्रति किलो के भाव से लोगों को बेचा जा रहा है। वहीं पटना में प्याज 80 से 90 रुपए किलो के भाव से बेचा जा रहा है। खबरों के अनुसार अभी फिलहाल प्याज की कीमतों में किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलने वाली है। प्याज के भाव में गिरावट शायद अगले साल ही देखने की उम्मीद है। अब आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, किशनगंज,
लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही ठंड दिन और रात के समय में महसूस होगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में मौसम पूरे दिन सामान्य रहेगा। वहीं दिन ढलते ढलते आपको ठंड का असर रात में देखने को मिलेगा। बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली ने किया साफ, हटाए जाएंगे सभी चयनकर्ता। 1 दिसंबर को हुई बीसीसीआई की 28वीं एजीएम की बैठक में पूर्व भारतीय कप्तान एवं वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने साफ तौर पर कह दिया है कि वर्तमान में सभी चयनकर्ताओं का कार्यकाल खत्म हो चुका है और अब उनके कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उनकी जगह नए चयनकर्ताओं की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी और ये नियुक्ति प्रतिवर्ष के आधार पर नहीं बल्कि एक कार्यकाल के आधार पर की जाएगी। जदयू ने बिछड़े नेताओं को किया पार्टी में शामिल। जदयू ने सभी बिछड़े नेताओं को पार्टी में पुनर्वापसी करवाई है। दरअसल सनहौला प्रखंड संगठन में निष्कासित हुए जदयू कार्यकर्ताओं, इस्तीफा देकर गए हुए नेताओं, साथ ही साथ जदयू में सम्मिलित होने वाले नए नेताओं के लिए जदयू कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। आयोजित समारोह में पार्टी से दूर गए सभी नेताओं को एक बार फिर से पार्टी में वापस लिया गया है। राजद ने 18 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की। संगठन चुनाव के तहत राजद ने बिहार समेत 18 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी। हालांकि अभी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों में अभी संगठन चुनाव राजद नहीं करवा सका है। वहीं 10 दिसंबर को राजद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा कर देगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आए दिन आप लोग एनआरसी के बारे में सुनते रहते होंगे, तो आज का सवाल भी हमारा एनआरसी मुद्दे पर ही है। बिहार में एनआरसी को लागू करने पर आपकी क्या राय है? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।